దేశంలోని బీజేపీ విద్వేషాలు రెచ్చగొడుతుందని మండిపడ్డారు హైదరాబాద్ ఎంఐఎం ఎంపీ అభ్యర్థి అసదుద్దీన్ ఓవైసీ. హైదరాబాద్ ని అతలాకుతలం చేసేందుకు ఆర్ఎస్ఎస్ కుట్ర చేస్తుందని ఆరోపించారు. మాధవిలత ఎక్కుపెట్టిన ఆ బాణం నేరుగా మసీదునే టార్గెట్ చేశారని మరోసారి విమర్శించారు అసదుద్దీన్. ఆర్ఎస్ఎస్ బీజేపీ కుట్రలను గ్రహించి ఓటు వేయాలని సూచించారు. చంద్రాయనగుట్ట రియాసత్ నగర్లో నిర్వహించిన ఎంఐఎం ప్రచారంలో ఆయన పాల్గొని ప్రసంగించారు. मेरे भाई तीर याद रखिए, आरएसएस हमेशा जो काम करती है ना मुस्तकबिल में, पहले छोटे छोटे उसके तजुर्बे करती है, छोटे छोटे तजुर्बे करती आरएसएस. तारीख उठा कर देख लो आप, एक चुमटी लेके देखते आपका रिएक्शन कैसा है. अगर आप ठंडे हैं तो बोलेंगे नहीं, इनका जमीर मुर्दार हो चुका है, जो चाहे करेंगे. वो जो तीर मारने का प्रोग्राम था वो ये देखना था कि तुम्हारा जमीर जिंदा है या नहीं, तुम जिंदगी का सबूत दोगे या नहीं दोगे. अगर जिंदा है तो 13 तारीख को बटन दबाओ पतंग के निशान पर, वरना याद रखो यही आरएसएस की साजिश रही है. 2025 में आरएसएस अपने 100 साल मनाएगी. वो तीर मस्जिद के तरफ था मगर वो हैदराबाद की अमन को बर्बाद करने की एक साजिश का हिस्सा है. वो तीर मस्जिद की तरफ था मगर तेलंगाना को तबाही और बर्बादी के रास्ते पर ले जाने का एक उनका मंसूबा है. तो मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, पहचानो इनकी इन तमाम हरकतों को. और मैं नरेंद्र मोदी की जो कॉन्स्टेंसी है, बनारस को गया था, यहां पर भी आते आके बड़ा बड़ा लंबा लंबा तोड़ के जाते. बनारस को मैं गया, बनारस को जाकर मैंने वहां पर बुनकरों की बस्ती है जिसको अंसारी बोलते, अंसारी भाई जो पावर लूम चलाते, मैं आपको उनकी दर्द भरी दास्तान सुना रहा हूं. पावर लूम, मैंने पूछा बताओ पावर लूम कैसी चल रही है आपकी, तो बोले हमारे 50% बच्चे दिल्ली बंबई बड़े बड़े शहरों में चले गए. फिर कहा कि बिजली का क्या है, पावर लूम चलाने के लिए बिजली की जरूरत है, तो बोले साहब बिजली की कीमत आसमानों को छू रही है, कैसा चलेगा पावर लूम. मैंने उन अंसारी भाइयों से पूछा बताओ तुम्हारे कोई बच्चे बाहर पढ़ते हैं, तो बोले कोई नहीं पढ़ता, हमारे पास पैसे नहीं है. फिर उन्होंने एक ऐसी बात कही कि बड़ी दिल की तकलीफ हुई कि जिस पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी का एमपी नरेंद्र मोदी है, उन्होंने मुझसे कहा अरे असद साहब हमारी तकलीफ तो ये है कि अगर